सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके प्यारे भाई के चैनल पे। मैं सिद्धेश आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम निकल रहे हैं बाइक राइड पे। सारी तैयारी हो गई है मेरी। ये देखो, हेलमेट, बैग, ग्लव्स एंड वहाँ पे जो पड़ा है जैकेट है मेरा, एंड कैमरा वैमरा सब रेडी है, जो आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में देख ही लिया है। एंड कैप्शन में तो देख के आपको पता ही चला होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो भी फटाफट रेडी होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, एंड निकलते हैं। सो फाइनली हम अभी आ गए हैं हमारे पूरे सेटअप में, ऑन द व्हील्स। बहुत मज़ा आ रहा है। क्या फीलिंग होती है यार ये राइड करने की। सो मैप मैंने सेटअप कर दिया है, यहाँ पे सामने देख सकता है। सो हमारा जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ 2 hours 50 minutes यहाँ से बता रहा है हमें डेस्टिनेशन। मतलब हमें 3 घंटे तो लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। थोड़ा आराम आराम से जाएंगे, स्लोली स्टेडीली, एकदम रिलैक्स चिल में जाएंगे। धूप भी बहुत है, गर्मी हो गई है, पूरा गर्मी से अंदर भीग गया हो ये पूरे गियर्स में। कोई बात नहीं, तो अभी बारिश आने वाली है, थोड़ा गर्मी का भी राइड का मज़ा ले लेंगे। बहुत टाइम से डिले हुआ है राइड में, बहुत टाइम के बाद बाइक से ये रोड पे आया हूँ। ये ब्रिज पहले काफ़ी ख़राब हुआ करता था, हर बारिश में ख़राब हो जाता था, बट अभी होपफुली इन्होंने काम तो किया है अच्छा खासा, इस बार ब्रिज ख़राब ना हो बारिश। राइड करने वालों को सिर्फ एक ही होता है, रोड ख़राब नहीं होना चाहिए। रोड ख़राब है तो मज़ा नहीं आता। ये जो रोड है पनवेल, अपना खारगढ़ टू पनवेल रोड, ऊपर जो कैमरे दिख रहे हैं, ये कैमरे से ये रोड से जाते हैं ना जाने के टाइम, वो कैमरे से थोड़ा संभाल के, बिकॉज वो कैमरा पे स्पीडोमीटर्स है। लास्ट मतलब जब ये रोड से मैं जाता था ऑफिस रसायनी में, जब भी हुआ करता था 80 के ऊपर स्पीड चला गया था, जेन थी तभी, फटक से आ गया था फाइन, तो 1000 rupees फाइन आया था तभी। तो इसलिए ये कैमरे से हमेशा संभालना, पनवेल खारगढ़ टू पनवेल रोड पे ये कैमरा है। हाँ, डिफेंडर, क्या गाड़ी है यार पनवेल पासिंग। ये गाड़ी चलाने में क्या मजा आता होगा ना लैंड रोवर की। अभी नई नई लिए लगता है गाड़ी, चमक रही है एकदम व्हाइट कलर में गाड़ी। और बाइक चलाने के टाइम में ना वो चक दे इंडिया वाले शाहरुख खान की फीलिंग आती है। शाहरुख खान कैसे स्टेडियम में खड़ा रहकर बोलता है इतनी राइट लेफ्ट राइट, वैसे वाला। आगे वाला बंदा क्या टर्न लेने वाला रहता है समझता ही नहीं है, एक तो इंडिकेटर देते नहीं है, फिर चालू हो जाता है हमारा, ये राइट जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा, हे भगवान नहीं ये तो सीधा जाने वाला है। अरे जिंदगी कंफ्यूजन में निकल जाती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देखो, अरे भाई तू डिसाइड तो कर ले ऊपर जाना है या नीचे जाना है, रास्ते के बीच में आके स्लो कर देता हाईवे पे। तेजस्वी लोग हैं भाई, गाड़ी होती तो एक्सप्रेस से निकल जाते ना मस्त, अभी हमें नीचे से जाना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं पनवेल पॉलिस पे फाटा, पहले पेट्रोल भरवा लेंगे एंड PUC भी ख़त्म हो गई है बाइक के, तो PUC भी निकाल लेंगे। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये पेट्रोल पंप पे भरने के लिए पेट्रोल, जहाँ हमेशा अंदर जाने के लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। ये नदी क्रॉस करनी पड़ती है आपको हमेशा, कभी भी आओ ये पेट्रोल पंप पे, ये नदी बहती रहती है। तो पहले यहाँ पे पेट्रोल भर लेंगे एंड देन वहाँ पे जाके PUC निकालेंगे। पेट्रोल हो गया, यहाँ से PUC भी निकाल लेते हैं। सो पेट्रोल वगैरह भर के PUC भी निकाल के अभी पूरा सेफ है हम। PUC अभी किसी ने पकड़ा तो भी अपने पास PUC है, इंश्योरेंस है, और क्या है,
हाँ बराबर। और आरसी बुक तो है ही अपने पास ओरिजिनल, टाकी भी फुल कर दी है। एंड अभी हम पहुँच रहे हैं शेडुंग टोलना का, वहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि इसके आगे और 2 घंटा मुझे दिखा रहा है। मैंने फ़ोन किया था दोस्त को जो वहाँ पे शशिकांत, वो बोला कि पहुँचने के लिए तुझे 2-2.5 घंटा लगेगा, बट गूगल मैप बोल रहा है 2 घंटा। मैं गूगल मैप को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार फंसा है मुझे गूगल मैप ने। सो अभी थोड़ा वेट करते हैं, हॉल्ट लेते हैं 10-15 मिनट का, एंड देन वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आ गया ये शेडुंग टोल नाका, बहुत पुराना नाता है मेरा इससे, रसायनी जाने के टाइम यहाँ से ही जाता था, कभी टोल भरता था कभी बाईपास करता था। चाह है मित्र, चाह आया। श्री गणेश कैंटीन में रुका हूँ, ये शेडुंग का टोल नाका, एंड ये अपने दोनों। सो थोड़ा नींबूस पी लेता हूँ, नींबूस नहीं ये क्या है, क्लाउड शिकंजी नींबू पानी है, चाय पिया बट मज़ा नहीं आया गर्मी में, तो इसके लिए अभी नींबू पी के आगे बढ़ते। यहाँ पे मैं पहले भी रुकता था जब ऑफिस जाता था यहाँ से, मैं रसायनी यहाँ पे एक हॉल्ट लेते थे, मैं और शशि होता था साथ में, यहाँ पे एक मस्त हॉल्ट लेते थे, मैगी वगैरह सब खाते थे, एंड देन यहाँ से आगे बढ़ जाते। तो अभी नींबू पानी पीते हैं, देन यहाँ से फिर 2 घंटे का राइड कंटिन्यूस नॉन स्टॉप है, बिना रुके चलते रहेंगे एंड डायरेक्टली लोकेशन पे जाके रुक जाएंगे फटाफट। ठीक है निकलता हूँ मैं। सोपला फिर इतने कट सारे, सोपला भाऊ आपला फोटो काटते है, थैंक यू। नाव कस नाव उन्मेश दुर्वेश, थैंक यू, आपला फोटो काढलेला आहे, मस्त आला फोटो, इंस्टावर टाकूया याला आणि मग पुढे जाऊया। ये रोड पे ना बाईक चालवणे का मजा ही आता है हमेशा, कभी खराब नहीं होता ये रोड। हाँ हाँ हाँ, आज सूरज देवता भी बहुत प्रसन्न है मेरे पे, उन्होंने धूप कम कर दी। 1 hour 53 minutes to go, चला जाता हूँ किसी के दिन में धड़कते देके तराने लिए। तो आपने अगर मेरा एनडी स्टूडियो का लॉग देखा होगा, सो वो यहाँ पे अंदर है, एंड एक और लॉग है बद्रीनाथ टेंपल, जिसमें बहुत बड़ी अपने शिव जी की प्रतिमा है, वो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला। सो मैं अभी लोनावला पहुंच गया हूँ, एंड मैं कुमार रिसोर्ट से एक्चुअली थोड़ा सा आगे निकल गया था, बट जो रोड है हम जहाँ पे जा रहे हैं अभी, वो जस्ट कुमार रिसोर्ट के बाजू से जो अंदर रस्ता आता है बूशी डैम, जो ये रोड है यही रोड से हमें जाना है आगे। तो वो चीज़ एक बार ध्यान रखनी है आने के टाइम, मैं कन्फ्यूज हो गया, बट ठीक है मैं रिटर्न आके अभी वापस वो रोड पर जा रहा हूँ। समर सीज़न में बूशी डैम टाइगर हिल मज़ा नहीं है उतना, बट तो भी क्राउड है यहाँ पे यार, इज्जत है लोगों को, इज्जत है, इतनी गर्मी में भी लोग आ रहे हैं, एंड आज वीकेंड नहीं है, वीकडे है थर्सडे, देन टू लोगों का क्राउड है यहाँ पे पूरा। बारिश में आऊँगा फिर से एक बार, बारिश में क्या मस्त दिखता है ये पहाड़ पे, ऐसे मस्त पानी बहता है, वाटरफॉल्स, लोगों का मस्त नीचे यहाँ पे क्राउड रहता है, ये देख रहे हो समर सीजन में भी क्राउड कितना है। सो नाउ वी आर एट लायंस पॉइंट, बट हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हमारा डेस्टिनेशन आगे है। वाओ क्या सीनरी है, अब मजा आ रहा है यार, हा हा, क्या ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। बेचारी कंफ्यूज हो गई थी, मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, बट क्यूट थी बहुत छोटी सी। सो किसी को एडवेंचर करना है शॉर्ट राइड में, घाट का फीलिंग लेना है, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आओ एक बार,
बाइक राइड करो, मजा आएगा आपको। आज बुलेट के साथ ऑफ रोडिंग भी होगी। वो अंकल को पूछते हैं मंदिर पे जाने के लिए कहाँ से, दादा मंदिर अगर चालो कुठू ना कुठू इतन खाली ना सो बाइक जाते है ना। थैंक यू। वाव क्या नजारा है यार, देखो तो। अब मंदिर 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 कहाँ है? हाँ दिख गया दिख गया, वो देखो। अरे उधर भीड़ भी है मंदिर में। फाइनली दिख गया मंदिर वहां पे। Finally, we are at Vageshwar Temple. So, Vageshwar, ये प्राचीन एंड मिरेकल से भरा हुआ मंदिर मुंबई से अप्रॉक्सीमेट 132 और 135 किलोमीटर्स पे है। सो ये जो आपको स्टोन्स के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, भक्तों की ये मान्यता है कि जिसकी इच्छा होती है खुद का घर बनने की या फिर उस पर किसी की नज़र ना पड़ने की, वो इच्छाएँ होती है जिसके लिए स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं भक्तों के द्वारा। ये मंदिर अद्भुत क्यों है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ये मंदिर अप्रॉक्सीमेट 1000 साल पुराना मंदिर है एंड यहाँ पे पूरा गांव हुआ करता था, बट जब ये पावना डैम इसका निर्माण किया गया तो पूरा गांव यहाँ से शिफ्ट कर दिया एंड मंदिर वहीं पे था। एंड साल के 12 महीनों में से 8 महीने ये मंदिर पानी के अंदर होता है एंड 3 महीने ही सिर्फ पानी के बाहर होता है। मार्च से लेके अप्रॉक्सीमेट जून तक ये मंदिर पानी से बाहर होता है जिसके हम दर्शन ले सकते हैं। ये साल धूप बहुत थी इसके लिए, आई थिंक डिपेंड्स बारिश कब आएगी, बारिश आने पर ये मंदिर वापस पानी के अंदर चला जाएगा। भगवान शिव जी को समर्पित ये मंदिर चारों तरफ से फोर्ट से सराउंडेड है, जैसे विसापुर फोर्ट, तुंग फोर्ट, तिकोना फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, इन सबसे मंदिर सराउंडेड है। ये मंदिर 8 महीने पानी में होने की वजह से हमें इस मंदिर के पिलर्स एंड दीवारों पे, पत्थर्स पे बेसिकली मार्क्स भी देखने मिलते हैं। एंड गवर्नमेंट एंड लोकल्स ने ये मंदिर को प्रॉपर सलामत रखने के लिए काफ़ी मेहनत ली है। हमेशा इस मंदिर के आजू बाजू भी पानी ही होता है, बट इस साल धूप ज़्यादा है, आपको भी पता है, सबको टेम्परेचर भी काफ़ी रेज हुआ है, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग्स का पानी जो है वो उतर गया एंड हमें काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो ऐसे सूखी देखने मिली। अभी ये जो मंदिर देखा आपने, वागेश्वर टेम्पल, वागेश्वर मंदिर है ये, बारिश के सीज़न में एंड ठंडी के सीज़न में पूरा पानी के नीचे ही होता है ये मंदिर हमेशा। जैसे आप पीछे देख रहे हो पूरी नदी होती है, वहाँ दूर आपको दिखते होगी पानी, ये पूरी फ्लोइंग नदी होती है यहाँ पे एंड ये मंदिर इसके नीचे होता है पानी के। सिर्फ 2-3 महीने के लिए पानी के बाहर आता है, जो ये साल हमारे भाग्य खुल गए जो हम यहाँ पर आके हमें दर्शन लेने को मिला। अच्छा था ये भी, आज सडन ट्रिप प्लान हो गई मेरी, प्लान कुछ और था एंड आया कहीं और, ऐसे हुआ बट मज़ा आ गया। अभी मस्त ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे थोड़ी देर मस्त से घूमूंगा एंड बारिश चालू हो जाएगा तो ये मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे वापस। बट ठीक है यार, मतलब फ्लोइंग वाटर होने के बावजूद भी ये मंदिर
मंदिर के जो पत्थर है साइड में या फिर मंदिर के, उसको कुछ नहीं होता है, एकदम प्रॉपर बोलते हैं ना चमत्कार है यार एकदम सच में, सीरियसली यार। तो बोलूँगा यार आपको एक बार आके जाओ यार, गाड़ियाँ आती है, मैं जिस रोड से आया हूँ वो बाइक के लिए अच्छा है, कार के लिए कार दूसरे रोड से आती है, अभी जैसे मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे गाड़ी आई है, यहाँ पे गाड़ी आई है, तो वो ये साइड के रोड से आई है, मैं जहाँ से हमें दोनों अपना टाइगर हिल पॉइंट के रोड से आया हूँ, तो वहाँ से ना प्रीफर करूँ मैं आपको, वहाँ से मत आओ दूसरे रोड से आओ, वहाँ से एकदम कार से आते हैं, कार मैं जहाँ से वहाँ से आओगे शूटिंग करके आना पड़ेगा कार से, तो भी थोड़ा मज़ा लेते हैं लोकेशन का एंड देन यहाँ से निकलते हैं। सो 3 घंटे के राइड के बाद, बुलेट से ऑफ रोडिंग करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स हो जाता हूँ एंड थोड़ा सराउंडिंग का भी मज़े लेता हूँ, ठंडी हवा खाता हूँ एंड स्ट्रक्चर मैं भी बना लेता हूँ एंड काफ़ी व्लॉग बड़ा हो गया है, सो मैं व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ या बट इसका पार्ट 2 मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, सो स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए इमीजिएटली, ताकि आपको मेरे सारे आगे आने वाले इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने मिलेंगे एंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको व्लॉग कैसे लगा, कुछ और नया हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली विजिट योर। एंड वैसे भी हमने अभी बाइक राइड स्टार्ट कर दी है, सो अब अभी हम बाइक राइड्स पे जाया करेंगे।